कालिदास की रचनाओं को दुनिया भर की अनेकों भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, पढ़ा गया और सराहा भी गया। लेकिन कालिदास के महान कवि बनने से पहले का जो सफ़र है, उससे जुड़ी हुई अनेकों कहानियाँ प्रचलित हैं। उनमें से कुछ के मुताबिक कालिदास बचपन से ही एक मंद बुद्धि बच्चे थे, बल्कि बड़े होने के बाद भी वो एक 8 साल के बच्चे के समान ही काम किया करते थे। काली के भक्त थे, इसी वजह से कालिदास कहलाए। लेकिन एक तरीके से अपनी उम्र के बच्चों से वो बहुत पीछे माने जाते हैं। ना ही संस्कृत का ज्ञान था और ना ही कोई और नॉलेज। दूर कहीं उज्जैन के पास एक किंगडम हुआ करता था, जिसके राजा थे विक्रमादित्य और उनकी बेटी का नाम था विद्योत्मा। विद्योत्मा बहुत ही ज्ञानी महिला थी, इसी वजह से उनके लिए कोई परफेक्ट मैच मिल ही नहीं रहा था। उन्होंने बहुत से राजाओं को, बहुत से मंत्रियों को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझसे ज़्यादा ज्ञानी होगा। मंत्री और बहुत से अनेक राजा जो हैं, वो हमेशा से इस अकड़ को, इस घमंड को तोड़ना चाहते थे और वो तलाश में थे उसी एक अपॉर्चुनिटी के। एक बार विक्रमादित्य की ही कोर्ट का एक मंत्री जंगल में यूं ही टहल रहा था, तब उसने देखा कि कैसे एक व्यक्ति पेड़ की एक डाल पर बैठा उस डाल को काटे जा रहा है, यानी जिस डाल पर वो बैठा है उसी डाल को जड़ से काटने की कोशिश कर रहा था। उसने उसको आगाह भी किया कि तुम गिर जाओगे, लेकिन वो व्यक्ति माना ही नहीं और थोड़ी देर में डाल कटी और वो नीचे गिर गया। उस मंत्री को लगा कि कितना मंदबुद्धि आदमी है, क्या इसे इस चीज़ का ज्ञान तक नहीं था। शायद यही वो व्यक्ति है जो विद्योत्मा का घमंड तोड़ सकता है। अगर उसका विवाह इससे हो जाए तो कितना बेहतरीन होगा। ये डाल को काटने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं कालिदास ही थे। कालिदास को बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहनाकर विक्रमादित्य के दरबार में पेश किया गया। अब बारी थी विद्योत्मा के टेस्ट की। विद्योत्मा ने कालिदास के सामने एक उंगली दिखाई और उसके बदले कालिदास ने 2 उंगली दिखा दी। विद्योत्मा का एक उंगली दिखाकर मौन रहने के पीछे का मतलब था, उस क्वेश्चन का मतलब ये था कि वो पूछना चाहती थी कि इस संसार में कितने सत्य हैं, क्या एक सत्य है। जैसे ही कालिदास ने 2 उंगलियां दिखाई, तभी विद्योत्मा को लगा कि ये तो कितना विद्वान व्यक्ति है। इसने बिल्कुल सही जवाब दिया, संसार में 2 सत्य हैं, एक आत्मन और एक भ्रमण। वहीं अगर कालिदास की बात कहें तो कालिदास ने जैसे ही विद्योत्मा की तरफ से आती हुई एक उंगली को देखा तो उसे लगा कि विद्योत्मा कह रही हैं कि मैं तुम्हारी एक आँख निकाल लूँगी, और उसके जवाब में कालिदास ने 2 उंगलियां दिखाई कि मैं तुम्हारी दोनों आँखें निकाल लूँगा। यानी ये हो गई थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन इसके बाद कालिदास और विद्योत्मा का विवाह हुआ। ये मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली। कालिदास का सारा सच सामने आ गया। विद्योत्मा को समझ आ गया कि उससे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसने एक मूर्ख व्यक्ति से विवाह कर लिया है। अस्ति कश्चित वाग्विशेष, क्या तुमने किसी भी प्रकार की ऐसी नॉलेज, ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है जिसके वजह से मैं तुम्हें एक अच्छा ट्रीटमेंट दूँ, स्पेशल वेलकम दूँ। इसी प्रकार से विद्योत्मा आए दिन यहाँ पर कालिदास पर गुस्सा होती रहती, और वहीं से उदय हुआ कालिदास। कालिदास ने तय कर लिया कि वो बेहतर शिक्षा प्राप्त करेगा, संस्कृत सीखी और रच दी अनेकों रचनाएं जो आज दुनिया में पॉपुलर हैं। कालिदास से जुड़ी इस कहानी में कितना सच है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आइए कालिदास की कुछ रचनाओं पर चर्चा करें। कुमार संभव, अगर इसके लिटरल मीनिंग पर जाएं तो इसका मतलब है कुमार। कुमार यानी कि लॉर्ड कार्तिकेय, जो कि लॉर्ड शिव और गॉडेस पार्वती के पुत्र हैं, यानी कि बेटे हैं। और संभव का मतलब है उनकी जन्म लेने की संभावना। कुमार संभव, द बर्थ ऑफ कार्तिकेय। ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये एपिक की कैटेगरी में आती है, और इसमें बताया गया है कि कैसे
कार्तिकेय का जन्म हुआ। ताड़कासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था जिसको ये वरदान था कि उसको लॉर्ड शिव और पार्वती का ही पुत्र मार सकता है। लेकिन वहीं जब हम लॉर्ड शिव को देखते हैं तो सती की मृत्यु के बाद लॉर्ड शिव पूरी तरह से योगी बन चुके थे, तपस्वी बन चुके थे और वो यहाँ पर मैरिज यानी कि शादी विवाह जैसे प्रस्तावों से बहुत दूर थे। कुमार संभव जो एपिक है वो बताती है कि कैसे गॉडेस पार्वती ने यहाँ पर लॉर्ड शिव के प्रेम को जीता और फाइनली लॉर्ड कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर को मारा। अगली रचना जिसे हम एपिक की ही कैटेगरी में रखेंगे वो है रघुवंश, लिटरल मीनिंग रघु का वंश यानी कि रघु डायनेस्टी। तो ये जो रघुवंश है इसमें रघु डायनेस्टी से जुड़े हुए सभी रूलर्स की कहानी है, दिलीप, रघु, अजय, दशरथ, राम और आखिरी राजा अग्निवर्मा। ये जो पर्टिकुलर बुक है इससे जुड़ी हुई बहुत सी कॉमेंट्रीज लिखी गई हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर कॉमेंट्री जो लिखी गई है वो है संजीवनी, जो मालीनाथ नाम के एक राइटर के द्वारा लिखी गई। कॉमेंट्री एक तरीके से एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में और ज़्यादा बेहतर तरह से जानकारी देती है, बल्कि जो कॉमेंटेटर होता है वो अपनी उस किताब में एक क्रिटिक की तरह रोल प्ले करता है और जिस भी किताब पर वो कॉमेंट्री लिख रहा है उसको बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करता है। मालीनाथ के बारे में अगर हम बताएं तो मालीनाथ विजयनगर एम्पायर से हुआ करते थे और वो कृष्णदेव राय नाम के विजयनगर एम्पायर के राजा के कंटेम्प्ररी थे। कालिदास की अगली रचना एक बहुत ही खूबसूरत कविता है जो है मेघदूत, यानी जिसमें मेघ बादल जो है वो एक मैसेंजर की तरह दर्शाया गया है। यहाँ इस कहानी में यक्ष जो होते हैं वो नेचर के केयर टेकर होते हैं और उन्हें एक बार सज़ा दी जाती है कुबेर दी गॉड ऑफ वेल्थ के द्वारा कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, इसी वजह से तुम्हें सज़ा में दिया जाता है कि तुम अपने परिवार से दूर रहोगे। और यही यक्ष जो हैं वो अपने परिवार से बहुत दूर रहते हैं और वो भेजते हैं अपनी पत्नी को बहुत ही खूबसूरत मैसेज लेकिन एक बादल के ज़रिए, और उसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन इस पर्टिकुलर कविता में किया गया है। इस कविता की खास बात ये थी कि यहीं से शुरुआत हुई एक अलग ही टाइप की पोएम्स की, कविताओं की, जिसे हम संदेश काव्य कहते हैं। अगली कविता है ऋतु संग्रह। ऋतु का मतलब होता है मौसम और संग्रह मतलब कलेक्शन, गार्लैंड ऑफ सीजन्स या ग्रुप ऑफ सीजन्स। यहाँ कालिदास अलग अलग सीजन्स जो हैं उनकी खास बात को अपनी कविता के ज़रिए पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। समर, रेनी सीजन, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, ये सभी उन्होंने एक एक करके इस कविता में दर्शाए हैं, डिस्क्राइब किए हैं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग तरह से। इसमें क्या होता है कि दो लवर्स होते हैं और वो अलग अलग सीज़न जो है उसके प्रति अपना रिएक्शन शो करते हैं, कितना खूबसूरत है ये सीज़न, इस प्रकार से ये कविता जो है वो रची गई है। इस कविता में श्रृंगार रस वर्तमान है यानी कि लव। अगली रचना है एक ड्रामा। कालिदास एक बेहतरीन ड्रामेटिस्ट भी रहे हैं और उनकी मोस्ट पॉपुलर रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। नाट्य शास्त्र के हिसाब से कोई भी ड्रामेटिस्ट जो है जब वो एक ड्रामा लिखे तो वो एक पॉपुलर थीम पर होना चाहिए, उसकी कहानी जो है वो पहले से ही बहुत पॉपुलर होनी चाहिए। और इसी रूल के अकॉर्डिंग कालिदास की जितनी भी ड्रामाज हैं वो किसी न किसी पॉपुलर थीम या कहानी पर आधारित हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के साथ भी ऐसा ही है। अभिज्ञान शकुंतलम, इसका लिटरल मीनिंग होता है रिकग्नाइजेशन ऑफ शकुंतला। शकुंतला इस कहानी की नायिका है और उनको पहचानना, इसी पर ये कहानी है। ये एक ड्रामेटाइज्ड वर्जन है शकुंतला और दुष्यंत की कहानी का, जिनका जिक्र महाभारत में भी किया गया है। दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे, उन्होंने शकुंतला से विवाह किया, उनको एक रिंग दी और इसी के तहत उसी रिंग को दिखाकर दुष्यंत को याद दिलाया जा सकता था कि आखिर शकुंतला कौन है, उनकी वाइफ है। इसके बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, ऑब्वियसली दुष्यंत जो हैं वो अपनी वाइफ को भूल जाते हैं,
कैसे वो रिंग जो है वो गुम हो जाती है, फाइनली वो शकुंतला को मिलती है, शकुंतला उस रिंग को दुष्यंत को दिखाती है एंड फाइनली ही रिकग्नाइज्ड हर। इसी श्रृंखला में एक और बहुत ही पॉपुलर कहानी या थीम पर आधारित है, विक्रमोर वशियम। इसका लिटरल मीनिंग है उर्वशी हु वॉन बाय वेलर। यहाँ उर्वशी एक अप्सरा है और ये इस कहानी की नायिका है, वहीं नायक के तौर पर हैं राजा पुरुरावस। इन दोनों का ही जिक्र बहुत से वैदिक टेक्स्ट में मिलता है, महाभारत, पुराण्स और ऋग्वेद में भी। यानी कि यहाँ से अलग अलग जो स्क्रिप्चर्स रहे हैं वहीं से कालिदास जो हैं उन्होंने अलग अलग पार्ट्स निकाल कर इस पूरे के पूरे ड्रामा को लिखा। आखिर में है मालविका अग्निमित्र। वैसे तो ये पहला ड्रामा था जो कि कालिदास के द्वारा रचा गया। मालविका अग्निमित्रम, नाम से ही पता चलता है यहाँ पर दो कैरेक्टर्स हैं, एक है मालविका और दूसरे हैं अग्निमित्र। अग्निमित्र शुंगा डायनेस्टी के राजा थे, पुष्यमित्र शुंगा के बेटे थे, और वहीं मालविका जो हैं वो अग्निमित्र की ही जो वाइफ हैं, जो क्वीन हैं, उन्हीं की मेडन थी। ये लव स्टोरी मालविका और अग्निमित्र पर आधारित है और यहाँ पर किस तरह से अग्निमित्र जो हैं वो मालविका को पसंद करते हैं, हालांकि अग्निमित्र की जो वाइफ हैं उनको इसके बारे में पता चल जाता है, मालविका को पनिश किया जाता है, लेकिन जब मालविका के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया गया तो वो भी राजवंश से ही थी और उसके बाद मालविका को अग्निमित्र शुंग की एक रानी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया गया। विद्योत्मा के द्वारा कही गई बात अस्ति कश्चित वाग्विशेष, ये जो शब्द थे, कहा जाता है कि कालिदास ने अपनी पहली तीन रचनाओं की शुरुआत इन्हीं तीन शब्दों से की। पहली एपिक कुमार संभव, इसकी शुरुआत होती है अस्ति से। वहीं कविता मेघदूत की शुरुआत होती है कश्चित से, और वहीं रघुवंश नाम की एपिक की शुरुआत होती है वाघ विशेष से। इजंट इट इंटरेस्टिंग।